लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हमने और चीजें ऐड करी हैं जिनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे कि लेप्रसी क्योर्ड पर्सन, सेरेब्रल पॉल्सी, डॉर्फिज्म। लेप्रसी क्योर्ड और सेरेब्रल पॉल्सी जो है हमारे पीडब्ल्यूडी एक्ट में दी गई। जो आरपीडब्ल्यू एक्ट में तीन नई कंडीशन ऐड करी गई है वो है डॉर्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एसिड अटैक सिम्टम्स, जो ये प्रॉब्लम्स भी लोकोमोशन डिसेबिलिटी कॉज करती है। तो इनको भी अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी अम्ब्रेला टर्म के अंदर, जो फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके अंदर में इसको क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करें लोकोमोटर डिसेबिलिटी की, ये साइनेज है जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। कहीं भी आप देखेंगे जैसे पार्किंग एरियाज हैं, या जहाँ पे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, या कहीं पे टॉयलेट्स हैं जो एक्सेसिबल बनाए गए हैं। आजकल एक्सेसिबल इन्वायरमेंट का इस कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज सेइंग कि हमें एक्सेसिबल बनाना है सारे इन्वायरमेंट को। सो दिस इज अ कॉमन साइनेज विच इज यूज फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नाउ इफ यू लुक एट व्हाट इज द प्रेवलेंस, द लेटेस्ट सेंसस जो है 2011 में किया गया है, जिसमें देखा गया है कि 2.68 करोड़ जो पॉपुलेशन है हमारी 121 करोड़ में से वो डिसेबल्ड है। दैट इज जस्ट 2.21% ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें से 56% जो है मेल्स है और 44% जो है फीमेल्स है। और कॉमनेस्ट डिसेबिलिटी जो है वो देखा गया है 20% जो है लोकोमोटर या मूवमेंट डिसेबिलिटी है। उसके बाद आपके विजन में 19% केसेस, हेयरिंग एंड 8% मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 20% पॉपुलेशन में देखी गई है, विच इज द लार्जर, वेरी लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द।